माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के यहाँ पर फ्लॉज यहाँ पर कम होने नहीं वाले, प्रिंस पुलिंग के रिलेटेड काफी सारे यहाँ पर अपडेट्स आते हैं कि यहाँ पर आपको डिसेबल करना पड़ेगा, अगर आपने डिसेबल नहीं किया तो आपका सिस्टम हो सकता है हैक। तो डिसेबल कैसे करना है चलिए जानते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा कोई स्टेप्स मिस ना हो। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विंडोज के यहाँ पर बग्स बहुत होते हैं, ठीक है, उनको फिक्स करने के लिए सॉल्यूशन भी होते हैं, एक तो अपडेट दे देते हैं, अपडेट्स में भी आपको बहुत सारे बग्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर विंडोज का एक खासियत ही है, आपको बग्स का भंडार बोल सकते हो उसे। तो यहाँ पर मैं मैन्युअली बताने वाला हूँ कि कैसे आप प्रिंटिंग नाइटमेयर का प्रिंटिंग स्पूलिंग वाले सर्विसेज को कैसे डिसेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रिंटिंग स्पूलिंग करता क्या है, जितना हम सर्विसेज डिसेबल करते हैं हैकर्स इतना हैक क्यों कर सकते हैं उसे, एक्चुअल मेजर प्रिंटिंग स्पूलिंग का पॉइंट है क्या। तो प्रिंट स्पूलर एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज की तरह है जहां पर आपको टेम्पररी डेटा जो है आपको स्टोर हो जाता है एंड एज अ फॉर्म ऑफ सीक्वेंस एंड एज अ फॉर्म ऑफ प्रायोरिटी वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो जहां पर डेटा स्टोर होता है आपका, तो वहां पर आपको बोल सकते हो हैकर्स का एक सोर्स मिल सकता है जहां पर आपका जो डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, वो देख भी सकते हैं। तो हैकर्स ये सब कर सकते हैं अगर प्रिंट स्पूलिंग आपका एनेबल रहा तो ये जो फ्लॉज है, ये जो वर्नेबिलिटीज है, वो कौन से पार्ट में आती है, तो वो है इवेल्युएशन ऑफ प्रिविलेज। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है जो थर्ड यूजर से, वो आपके सिस्टम में कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड वो कोड एग्जीक्यूट करने के बाद आपका सिस्टम को वो एज अ फॉर्म ऑफ वर्चुअली एक्सेस भी कर सकता है। तो चलिए इतना सारा नॉलेज ले लिया है, तो अभी चेक करते हैं इसको कैसे डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं आपके पास तीन स्टेप्स लेके आया हूँ। सबसे पहले आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हो, दूसरा जो सीएमडी से कर सकते हो, तीसरा जो है वो यहाँ पर सर्विसेज के थ्रू आप कर सकते हो। तो सबसे पहले सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको यहाँ पर विंडोज की दबाने पे वहाँ पर सर्च करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर आपको सर्विसेज देखने को मिलेंगे। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रोल डाउन करना है, स्क्रोल डाउन करने के बाद आपको प्रिंट स्पूलर देखेगा, वो उसको बस अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद अप्लाई करना है, अप्लाई होने के बाद वो हो जाएगा रिस्टार्ट कर देना सिस्टम, आपका जो है प्रिंट स्पूलर डिसेबल हो जाएगा। तो काफी सिंपल है, अगर ये भी नहीं जमता आपको तो दूसरा है सीएमडी के थ्रू। अगर सीएमडी के आप एक्सपर्ट हो तो आपको सीएमडी ज्यादा पसंद है तो आप सीएमडी से कर सकते हो। सीएमडी से वैसे भी इंटरनल सब कुछ हो सकता है, सीएमडी में आपको जाना है, सीएमडी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। वहां पर आपको कमांड्स डालने, सिर्फ एक कमांड डालना है, वहां पर है नेट स्पेस स्टॉप स्पूलर। तो ये स्पूलर वाला कमांड डालने पर आपका जो है वो स्पूलर सर्विसेज बंद हो जाएगा एंड वो बंद होने के बाद अगर आपको डिलीट करना है, वो सर्विसेज क्लियर करना है, तो उसके लिए भी एक कमांड है। तो कुछ कमांड इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में जरूर से प्रोवाइड कर दूंगा, वो डालने पर आपका जो भी प्रिंट स्पॉलर का मेमोरी है वो क्लियर हो जाएगा, एज अ फॉर्म डिलीट हो जाएगा। एंड अगर आपको सर्विस स्टार्ट करनी है फिर से, तो आप नेट स्पेस पुलर यूज करके वो सर्विसेज को फिर से एक्टिवेट कर सकते हो। कमांड से भी नहीं जम रहा आपको तो फिर आप तीसरा स्टेप यूज कर सकते हो, जहां पर आपको विंडोज प्लस आर की प्रेस करने पर रन पे टाइप करना है services.msc। तो ये डालने के बाद आपका जो है वो सर्विसेज वाला विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। सिमिलरली वहां पर आपको ड्रॉप डाउन करना है, वहां पर आपको प्रिंट स्पूलर देखने को मिलेगा, उसको डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक होने के बाद आपको वहां पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, स्टेटस क्या है उसके, एनेबल है, डिसेबल है, ऑटोमेटिक है, तो वहां आप डिसेबल कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी रख सकते हो आपके ऊपर, बट फिलहाल तो आप डिसेबल ही रखो। एंड वहां पर सर्विसेज वगैरह सब कुछ स्टॉप होगी, फिर से अप्लाई करो, रिस्टार्ट करो एंड दैट्स इट। तो ये सिंपल थ्री डिफरेंट स्टेप्स है जहां पर आप प्रिंट स्पूलर के जो हैशटैग नाइटमेयर चालू है विंडोज का वो बंद कर सकते हो, फिलहाल डिसेबल कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिकमेंड किया है कि आप वो प्रिंट स्पूलर वाले सर्विसेज जो है वो डिसेबल कर दो, अगर अनेबल रहेगा तो डिसेबल कर दो, स्टार्ट रहेगा तो उसको स्टॉप कर दो। तो ये तीन स्टेप से आप वो सर्विसेज को स्टॉप एंड डिसेबल कर सकते हो। तो ये प्रिंट स्पूलर को कैसे डिसेबल करना है, तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो में सारे सवाल के जवाब देता हूं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।